हम लोग धन कमाते हैं, घर बनाते हैं, बच्चों की एजुकेशन सब कुछ देखते हैं, अपनी बॉडी हेल्थ को देखते हैं, तो उसके साथ ही मेडिटेशन सबसे कंपलसरी है। मतलब हमारी प्रायोरिटी में नंबर वन पे मेडिटेशन होना चाहिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार गर्ग है, मैं रोहिणी दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरे को ध्यान में आए हुए लगभग 4 महीने के आसपास हो गए हैं। तो लास्ट लॉकडाउन से पहले मेरे को पत्री सर का मैसेज आया किसी वॉलंटियर का नेट के ऊपर, तो मैंने ध्यान की क्लासेस ज्वाइन करी। उसके बाद मैंने बुद्धा बनो ग्रुप ज्वाइन किया, नाउ सेठ विजडम वर्कशॉप जो चल रही है मैं उसको ज्वाइन किया हुआ है। तो ध्यान एक अद्भुत चीज़ है बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है जो पत्री सर का ध्यान है, जो आनापाना स्थिति ध्यान है, वो बिल्कुल डिफरेंट लगा। ऑल्दो मैं स्पिरिचुअल लाइन में पिछले 10-12 साल से हूँ, तो उससे पहले मैं स्पिरिचुअलिटी को नहीं मानता था। मानता भी था तो दुनिया के जो मंदिर मस्जिद हैं गुरुद्वारे हैं वो मेरे को उनके टाइप्स अच्छे नहीं लगते थे। तो मे भी इधर पत्री सर के इधर आना था घूम फिर के, तो हो सकता है इस कारण ना लगते हों। तो यहाँ जो आया है ध्यान में और सुना और देखा एक्सपीरियंस किया, वो बिल्कुल डिफरेंट लगा। जैसे मैंने शुरू में ही पत्री सर की एक दो बातें सुनी, पहले 2-3 मिनट का ऑडियो वीडियो सेशन था इनका, नेट से आया मेरे पास यूट्यूब से, तो उसमें बहुत अच्छा पत्री सर ने जो डिस्क्राइब किया होता, अभी ध्यान में कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना है, हाथों को क्रॉस कर लो, पैरों को क्रॉस कर लो, आंखें बंद कर लो, बस और कुछ भी नहीं है। मतलब इतना सिंपल वे में इन्होंने समझाया हुआ है, अभी शायद एक छोटी फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है उसको भी हम ABC इतनी आसानी से नहीं सिखा सकते जितनी इजीली ये लोग ध्यान सिखा रहे हैं। ये लोग इतने डिवोटेड हैं, मतलब वॉलेंटियर्स हैं और जो भी लोग लगे हुए हैं PSSM में PMC में, ये 24 आवर्स 24x7 ऐसे लगे हुए हैं। मतलब लास्ट लॉकडाउन का मेरे को पता नहीं लगा कैसे निकल गया, ध्यान क्लासेस और इतना इजी वे में सिखाते हैं। फिर क्या है, इसके लाभ बहुत हैं। जैसा इन्होंने बनाया भी पहले शुरुआत में क्या होगा, जब हम ध्यान करेंगे, जब माइंडफुलनेस आएगी, हम थॉट फ्री होंगे, तो हमारे जो है फर्स्ट बॉडी जो है उस पर जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी एनर्जी जितने भी ब्लॉक्स हो रखे हैं, वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। तो मेरे को इसका आभास जब मैंने इनका बुद्धा बनो ग्रुप ज्वाइन किया, तो लगभग 35-36 दिन के बाद, 40 दिन का वो इनका बुद्धा बनो का सेशन था, लास्ट वीक में मेरे को अनुभूति हुई कि मेरे हेड में थोड़ी सेंसेशन हुई, तो मेरे को पता लगा भी ये जो बोल रहे हैं वो फैक्ट है। जो ये यूनिवर्स में एनर्जी है वो हमारे ब्रह्मरंध्र से एंटर करती है, तो क्लियर कट आपको इंडिकेशन मिलता है भी यहाँ कोई बनावटी बातें नहीं हैं। क्योंकि पहले आदमी को विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं भी हम जाते हैं तो जो फील्ड नया होता है तो आदमी के मन में शंकाएं होती हैं, पर यहाँ आके ये चीज़ जो है ऑटोमेटिक दूर होएगी। दूसरी वो बात कहते हैं भी आपने खुद करना है, हम तो आपको तरीका बता सकते हैं, सब कुछ आपने खुद करना है क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ पड़ा हुआ है। मतलब बड़ा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे एक्सपीरियंसेस डे बाय डे हो रहे हैं। मतलब PSSM ज्वाइन करने के बाद मतलब बंदे का मन ही नहीं करता भी इधर से हटो, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सब कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात तो मन की शांति है, क्योंकि हम अपने थॉट्स से अलग ही नहीं हो पाते हर टाइम। जब हम ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो माइंड थॉट सब कुछ जो है हमारे काबू में धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्यों परेशान हैं सारा दिन, हम यहाँ बैठे हैं हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है, थॉट्स कहीं और आ रहे हैं। तो हमें क्या है? एक टाइम पे हम एक जगह नहीं रहते, इसलिए डिस्टर्बेंस ज़िंदगी में है। तो यहाँ जो मेथड्स बताए गए हैं बहुत ही इजी मेथड्स हैं, और
इनके अलग अलग ग्रुप्स चलते रहते हैं, जूम क्लासेस चलती रहती हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ कोई चार्जिंग नहीं है, सब कुछ फ्री है। एक गरीब आदमी और एक अमीर आदमी, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। आप घर बैठे ही आराम से अपने सब काम करते हुए इजीली एक दो घंटे निकाल सकते हो। पत्री जी का कहना है भी जितनी आपकी एज है उतने मिनट आपने मिनिमम ध्यान करना है। मैक्सिमम की ध्यान के लिए कोई सीमा नहीं है, जितना आप टाइम निकालोगे वो आपके लिए बेनिफिट है। फिर आपको खुद नज़र आने लगेगा थोड़े दिनों में भी क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं मेरे अंदर। तो मतलब इसको शब्दों में डिस्क्राइब करना आई थिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आदमी खुद एक्सपीरियंस करता है ना वो लाबयान हो जाती है। जैसे होता है ना अभी गूंगे का गुड़, अब गूंगे आदमी ने गुड़ तो खा लिया, मिठास बहुत थी, अब उसको वो क्या डिस्क्राइब करे, क्योंकि जो आदमी खुद एक्सपीरियंस करेगा ना वो अल्टीमेट होगा। बाकी मैं सबसे अनुरोध करूँगा भी ध्यान में आइए। जैसे आजकल लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो इसमें क्या है, इन्होंने और भी आगे स्पिरिचुअल साइंस जो है इसको इतनी डीप लेके गए हैं, मतलब हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते भी इतना ज्ञान ये लोग बांट रहे हैं हमें भी। एक मनुष्य जन्म जो है, मनुष्य के अंदर क्या क्या कुछ भरा हुआ है, मतलब बाहर की जो किताबी नॉलेज तो कुछ भी नहीं है, जो हमारे अंदर है बिलीफ सिस्टम है। जैसे मैंने ये चीज़ें क्यों एक्सपीरियंस करी, क्योंकि मैं 2-3 साल पहले नेचुरोपैथी ज्वाइन करी थी। मैंने बड़े शौक से बड़े मन से नेचुरोपैथी ज्वाइन करी। अब नेचुरोपैथी में भी क्या था, जो नेचर है उसके साथ जुड़ना था। मेरी 2-3 प्रॉब्लम्स थी, फिजिकल प्रॉब्लम्स थी, पाइल्स वगैरह की, मोटापे की, नी पेन की, वो सब मैंने नेचुरोपैथी से को जब अडॉप्ट किया सारी दूर होगी। पर दूर तो कर ली थी, मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं हुआ था ये क्या हुआ। तो यहाँ आके जब मैं सेठ विजडम वर्कशॉप ज्वाइन करी है तो वहाँ पता लगा भी बिलीफ सिस्टम है। जैसे नेचुरोपैथी में हमें बताया गया भी आप ऐसे नेचर के साथ जुड़ोगे तो आपको जो है सारी बीमारियों से आप फ्री हो जाओगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम नेचर के साथ जुड़ते हैं, नेचुरल फूड खाते हैं, रॉ फूड खाते हैं, तो हमारा वेट, बीमारी, शरीर की फिजिकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहती। ये बिल्कुल 100% फैक्ट है। मैंने अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट किए हैं 2 साल से, मेरा लगभग 25-30 किलो वजन चला गया है। पर यहाँ आके उसकी डीप नॉलेज हो रही है भी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने हमें सिखाया था भी हम बीमार हो ही नहीं सकते, हमारी बॉडी ऐसे डिजाइन ही नहीं की है। क्रिएटर ने हमारी बॉडी ऐसे डिजाइन नहीं की है भी हम बीमार हों, अगर हम नेचर के साथ जुड़ेंगे, नेचुरल चीज़ों पर चलेंगे। तो यहाँ आके इन्होंने इतना उसको क्लैरिफाई करते जा रहे हैं चैप्टर टू चैप्टर। मतलब जैसे अलेक्जेंडर ने कहा था भी, मैं लास्ट में जब मरते टाइम शेक्सपियर ने कहा था भी, मैंने इतना ज्ञान पाने के बाद भी मरते टाइम ये एक्सपीरियंस हुआ भी मैंने तो कुछ सीखा ही नहीं, अभी तो मैं फर्स्ट चैप्टर ही पढ़ा है, अभी तो बहुत कुछ है। तो यहाँ आके वही चीज़ों की अनुभूति हो रही है भी, अभी जो हम ज्ञान कहते हैं उसकी तो शुरुआत ही हुई है। हमें शुरू में लगता है पहले दिन थोड़ा सा भी कुछ पाते हैं तो भी हमने बहुत सारा पा लिया, पर यहाँ आके पता लगता है भी पाने के लिए विराट है। जब हम अंदर आँखें बंद करते हैं ना, तो ये उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में भी है भी, जो कुछ खंडे वही, जो कुछ ब्रह्मांड में है वही खंड में है, वही हमारे अंदर है। पर हमारे अंदर मैं कहता हूँ भी उससे भी कितने लाख गुने ज़्यादा है, इसका कोई पार नहीं पाया जा सकता, ना ही इसको मेज़र किया जा सकता। मतलब अल्टीमेट चीज़ है ध्यान में। मैं हर एक को हाथ जोड़ के ये आग्रह करूँगा भी हर बंदा ध्यान में आए, शाकाहार जगत में आए, तो ये चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। आपके जीवन का लक्ष्य आपको बताएंगी भी मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पर्पजेज क्या हैं। सिर्फ धन कमाना, बिल्डिंगें खड़ी करना, बाल बच्चों को पालना, ठीक है, ये सब हमारी ड्यूटीज़ हैं, इसको छोड़ के नहीं भागना। देखिए जैसे बाकी काम जीवन में ज़रूरी हैं, हम लोग धन कमाते हैं, घर बनाते हैं, बच्चों की एजुकेशन सब कुछ देखते हैं, अपनी बॉडी हेल्थ को देखते हैं, तो उसके साथ ही मेडिटेशन सबसे कंपलसरी है। मतलब हमारी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे मेडिटेशन होना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन होगा तो बाकी चीज़ भी पैरेलली हमारी अच्छी होती जाएंगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है निरोगी काया। जैसे इन्होंने बोला है भी यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है, जो हम थॉट्स की वजह से अपना ब्रह्मरंध्र बंद करे बैठे हैं,
जब हम थॉट फ्री स्टेट में आएंगे तो यूनिवर्स की ऊर्जा जो है हमारे अंदर आनी शुरू हो जाएगी। वो हमारे जितने भी चक्राज हैं, जितनी भी ब्लॉकेजेस हैं बॉडी के अंदर, वो सारी क्लियर हो जाती हैं। मतलब मेडिटेशन करना, देखो बाकी जो संस्थाएं हैं, धर्म हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी को इतना क्लैरिटी से डिस्क्राइब नहीं किया गया है जो यहाँ पे PSSM में खोल के रख दिया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। जैसे एक शीशा होता है ना, आप आर पार दे सकते हो, बिल्कुल ऐसा है यहाँ पे। क्योंकि कोई गुरु नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, ऑल आर एट द सेम लेवल। दे कॉल फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यू मास्टर। वो आपको नया जा कोई शिक्षक नहीं पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सब हम सब मास्टर हैं। जब आप ज्वाइन कर गए हैं, पत्री जीवन फाउंडर ऑफ PSSM, उनका कहना है अभी मैं थोड़ा पहले आ गया 40 साल, तुम बाद में आए हो, कोई फ़र्क नहीं है। देखो इतना बड़ा मेहनत करने के बाद सब कुछ सबको बांटने वाला इंसान जो फाउंडर है इस संस्था का, वो कैसे पेश आ रहा है, हमें क्या दे रहा है। क्योंकि जहाँ पे सब कुछ देने का भाव आ जाता है ना, तो वो चीज़ क्या अल्टीमेट हो जाती है, जहाँ पे कुछ छुपाया नहीं जाता, कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं। क्योंकि कोई इंडिविजुअल, जिस आदमी का मकसद ना हो, पर्सनल मकसद नहीं है, तो वो चीज़ क्या है, वो संस्था अल्टीमेट होगी। तो यहाँ पे मैंने वही पाया है। अभी देखो आपके ध्यान में आने के बाद, कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे भी जो सौरमंडल की ऊर्जा है वो आपकी बॉडी में प्रवेश करने लगी। तो आपकी जो फिज़िकल चैलेंज है, जो बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में, वो खुलने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक साइंस है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, एक साइंस है। तो वो हमारी हर चीज़ को पहले हमें फिज़िकली ठीक करेगी। मेडिटेशन में जब हम आएंगे तो हम फिज़िकली फिट हो जाएंगे कुछ ही टाइम के अंदर। हमारे शरीर में, वो कह रहे हैं, सिर दर्द से लेके कितनी भी बड़ी बीमारी हो, वो ऑटोमेटिक चली जाएगी। मतलब ये कोई मजाक नहीं है। आप देखो अभी कितने कितने लोग लगे हुए हैं इसके अंदर। आप PMC हिंदी यूट्यूब में देखो खोल के, और वैसे भी आप देखोगे भी ये चीज़, जब आप बॉडी के साथ खुद एक्सपीरियंस करोगे तो आपको अनुभूति होगी भी वाकई में ये चीज़ें फैक्ट है। मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है इसको। और जो बिलीफ सिस्टम है, मतलब बिलीफ सिस्टम क्या है भी, हम जैसे सोचना शुरू करते हैं, जैसे विश्वास करेंगे वैसा ही होएगा। जैसे इनका एक टॉपिक है सेठ विजडम में, वी क्रिएट आवर ऑन रियलिटी। हम जो है अपना जो है, क्योंकि वी आर क्रिएटर। पत्री जी क्या बोलते हैं, मी ब्रह्मास्मी, गीता में भी लिखा हुआ है मी ब्रह्मास्मी, मैं ब्रह्मा हूँ, मीन्स आई एम ए क्रिएटर। तो ये मेरे को जब तक ख्याल ही नहीं होएगा भी मैं क्रिएटर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये चीज़ों की अनुभूति होना, इसका बिलीफ सिस्टम होना, इसको दिमाग में सेट करना। क्योंकि जैसे वी क्रिएट अवर ऑन रियलिटी, हम अपनी रियलिटी और अपने आप को, अपने फ्यूचर को, अपने प्रेजेंट को, सब कुछ खुद ही बना रहे हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन थॉट्स। जो थॉट सिस्टम है वो हमने चेंज करना है, बिलीफ सिस्टम है वो हमने चेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्योंकि मी ब्रह्म आस्मी, गीता, देखो हम लोग जो हिंदुइज्म है, गीता रामायण सबके घरों में है, उसको पढ़ा जाता है ज़रूर। उसको जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने के लिए हम लोग क्या गलती करते हैं, पंडित को बुला लेते हैं। हम लोग गपशप मारते हैं, हमारे घर में रामायण का या गीता का पाठ है, हम लोग रिश्तेदारों के साथ, यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती करते हैं, गपशप करते हैं, और पंडित को पैसे दे के गीता का पाठ पढ़वाते हैं। तो गीता में जैसे लिखा हुआ है भी मी ब्रह्मास्मी, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी आल दो, पर जैसे यहाँ पे सुना, फिर मैंने मम्मी के पास गीता थी, मैंने मम्मी से पूछा, वो मम्मी कह रही हाँ ये चीज़ें बिल्कुल फैक्ट है, उसमें लिखी हुई हैं, हमने गीता को कितनी बारी पढ़ा है घरों में। तो पर उसमें जो चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिकली देखना, उनको अपने जीवन में अपनाना। मी ब्रह्मास्मी, व्हाट डज इट मीन्स, क्या लिखा हुआ है ये गीता, गीता के पन्ने पलटने से कुछ नहीं मिलने वाला। उसको जब हम अडॉप्ट करेंगे भी मैं ब्रह्मा हूँ, मैं क्रिएटर हूँ, जब मैं क्रिएटर हूँ तो अपनी लाइफ को नहीं संभाल सकता क्या? तो ये चीज़ों की अनुभूति होना बहुत ज़रूरी है, अपने दिमाग में बिठाना, बिलीफ सिस्टम और थॉट सिस्टम को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जब हम उनको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ
और सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। जैसा हम सोचेंगे वी क्रिएट आवर ऑन रियलिटी, इट्स ए फैक्ट। तो दोस्तों इस तो इतना विशाल टॉपिक है भी, जितना मर्जी इसके बारे में बोलते रहो, डिस्क्राइब करते रहो, पर आप लोग खुद मेडिटेशन में आओ तो आपको खुद एक्सपीरियंस करेंगे भी क्या हो रहा है और ये क्या है, व्हाट इज मेडिटेशन। थैंक यू।